हे वेलकम बैक गाइस टू अभी यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। दोस्तों मेरा नाम है साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2018 की, जिसकी कल ही नोटिफिकेशन आई है और ऑनलाइन फॉर्म 21/7/2018 से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझ आया क्या .in पे। आप लोगों को ये जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके यहाँ पे विजिट कीजिए इस पेज पे। और जिन लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है वो 21/7 से यहीं से कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक मैंने दे दिया है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो नोटिफिकेशन, ये जो पीडीएफ फाइल है, ये जो मैंने ओपन की हुई है, जो मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाई थी, अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये रहा वो लिंक, डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर, क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से ये 10 MB की फाइल है, इसको आप डाउनलोड करके पूरी डिटेल जो है लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिलहाल हम जान लेते हैं आज की पूरी डिटेल की इसमें एग्जाम पहले होगा या फिजिकल होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, फिजिकल क्या है, एवरीथिंग ए से लेके जेड तक हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि एसएससी जीडी से और भी बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जल्दी से ये जो लाल कलर का बटन है इसे दबाइए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए ए से लेके जेड तक हम इसके बारे में जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट की जा रही है। टोटल पोस्टें आपको 54,953 मिल रही है। पोस्ट की बात करें तो कांस्टेबल जीडी आपको मिल रही है। इसमें मेल के लिए 47,307 पोस्टें हैं, फीमेल के लिए 7,646 पोस्टें हैं। दोस्तों इसमें जो डिपार्टमेंट हायर कर रहे हैं आपको वैकेंसी के लिए वो है बीएसएफ, जिसमें 16,984 पोस्टें हैं, सीएसएफ 200 पोस्टें हैं, सीआरपीएफ में 21,566 पोस्टें हैं, एसएसबी में 8,546 पोस्टें हैं, आईटीबीपी में 4,126 पोस्टें हैं, एआर यानी कि असम राइफल में 3,076 पोस्टें हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी में आप 8 पोस्टें लेके चलिए, एसएसएफ में आपको 447 पोस्टें मिल रही हैं। ये सारी की सारी डिटेल आपको पीडीएफ के अंदर भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन होगा, फीस आप लोग ऑनलाइन पे करेंगे। जॉब कैटेगरी डिफेंस जॉब है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया लाइबिलिटी आपकी होगी, यानी कि आपको ऑल इंडिया कहीं भी पदित किया जा सकता है। दोस्तों ट्रेनिंग प्लेस आपके ऑल ओवर इंडिया सेंटर वाइज आपको मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप निश्चित रहिए। एग्जाम लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया, चाहे आप महाराष्ट्र से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, दिल्ली से हैं, कर्नाटका से हैं, किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, आपको अपनी स्टेट के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, इसके बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं जो आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे स्केल की, तो आपका 21,700 से लेके 69,100 के बीच में पे स्केल रहेगा। कौन अप्लाई कर पाएगा? मेल एंड फीमेल दोनों ही। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड इश्यू किए जाएंगे वो 10 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसकी 10 गुना जो एडमिट कार्ड है वो इश्यू किए जाएंगे, यानी कि तकरीबन आप कह सकते हो ये जो 54,000 है इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यानी कि 500,000 कैंडिडेट जो है इसके लिए चुने जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन के बाद सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है इसमें, सबसे पहले आप लोगों का रिटर्न होने वाला है, सीबीटी याद रखिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा फिर उसके बाद, और फिर होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर होगा मेडिकल टेस्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है? दोस्तों ये होता है जिसमें आपकी हाइट चेस्ट को नापा जाता है। अब बात करते हैं कि जब आप एग्जाम दे देंगे तो आपका कट ऑफ कितना जाना चाहिए। जनरल और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% यहाँ पे रखा गया है, यानी कि आपने 35% मार्क्स लेने ही लेने हैं, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एससी एसटी ओबीसी के लिए मिनिमम 33% यहाँ पे रखा गया है कट ऑफ, तो इसका ध्यान रखिएगा। एग्जाम डिटेल की यहाँ पे बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपने सिर्फ टिक लगानी है। एग्जाम लैंग्वेज आपकी इंग्लिश एंड हिंदी ही रहने वाली है। टोटल क्वेश्चन 100 आ जाएंगे, टोटल मार्क्स 100 होंगे। इसमें 4 सेक्शनें होंगी ए बी सी डी, और टोटल टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, वहीं बाकियों में भी 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस की बात करें तो आपको पीडीएफ के अंदर फुल सिलेबस मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पे आपको मोटा मोटा बता देता हूं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक एंड इंग्लिश हिंदी, ये 4 पार्ट में से ही आपका जो एग्जाम है वो आने वाला है।
फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप सिंपल कैंडिडेट हैं, मेल हैं और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट लेके चलिए। अगर आप गरिहाल, कमनास, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग द स्टेट ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिए गरिहाल, कमनास, डोगरा, मराठा और जो लोग बिलोंग करते हैं असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से, उनकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर चल जाएगी और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर कोई शेड्यूल ट्रिबल है तो उसकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। बाकी यहाँ पे दोस्तों ये बैकवर्ड एरिया के लिए है जैसे मणिपुर, मेघालय, लेकिन ये हेलिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो लोग आते हैं उनके लिए है, याद रखिएगा। तो उनके लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर है। कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा से आते हैं, उनके लिए मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर है। शेड्यूल ट्रिबल कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं उनके लिए मेल की हाइट 160.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करें तो सिंपल एससी, ओबीसी, जनरल 80 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फैलाना आनी चाहिए। रिलैक्सेशन के लिए प्लीज नोटिफिकेशन को बाकी आप चेक कर लीजिएगा। फिजिकल एक्टिविटी में आपकी रनिंग होने वाली है 5 किलोमीटर की, जिसमें 24 मिनट आपको दिए जाएंगे, तो कोशिश कीजिए अच्छा सा स्टेमिना बना लीजिए। अगर आप फीमेल है तो आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर। अगर आप लद्दाख रीजन से आते हैं तो मेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट के अंदर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सिंपल 10वीं पास होने जरूरी है एज ऑन 1/8/2018, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2018 के पहले कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एज लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है एज ऑन 1/8/2018, यानी कि आप 1/8/2018 के पहले 18 साल के हो जाने चाहिए। और आप अगर सिंपल सी बात करें तो यानी कि आपका जन्म 2/8/1995 से लेके 1/8/2018 के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपीज रखी गई है और एससी एसटी वुमेन एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 21/7/2018 से, खत्म हो जाएगी 20/8/2018 से। तो अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो जरूर वेट कीजिए हमारी वीडियो का, हम वेट करेंगे आपके लिए, वीडियो लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बिल्कुल फ्री में, तो हम जो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन है कंप्लीट टाइम पे मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ये रही कुछ पहली हमारी पुरानी वीडियो, ये भी अगर आप देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। बाकी यही थी आज की कहानी जो सुनाई है अपनी जुबानी, कैसी लगी आप लोगों को ये न्यूज कंप्लीट मुझे डिटेल कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?